अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। बीकॉम पार्ट टू हमने स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पर हमने इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ यूनिट्स को पढ़ा था सेकंड डिपार्टमेंट में विदाउट लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी तकरीबन उसी ही नेचर का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत हल्की पुल्की चेंज होगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 21 क्लियर नहीं हुआ तो ये वीडियो भी आप देखकर क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर कर सकते हैं। इंडस्ट्री का नाम है इलियास इंडस्ट्री। हम बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फॉर्मेट वही है, क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट एंड एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 22। इलियास इंडस्ट्री यूजेस प्रोसेसिंग कॉस्टिंग। इन थर्ड डिपार्टमेंट मटीरियल आर एडेड। तीसरे डिपार्टमेंट में मटीरियल ऐड किया है जिसकी वजह से 50% यूनिट्स इंक्रीज कर गए हैं। मटेरियल पुट किया, यूनिट्स बढ़े कितने? 50%। नीचे कह रहे हैं ड्यूरिंग जुलाई 4500 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट टू एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹3735। कहते हैं पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए हैं 4500, उसकी कॉस्ट आई है 3735। तो हम लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये हमारे पास हैं आपके सामने 4500। इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी गिवन है, वो है 37.35। ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? आपको बताया था कि ये हमारे पास कैलकुलेट हुई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से, लेकिन चूंकि हमने मटेरियल और ऐड किया है यूनिट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास नई पर यूनिट कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये के नीचे हमने लाइन लगा दी है। अब 4500 को 37.35 से मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 168075। इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है वो है 168075। अब वो कह रहा है 50% यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, तो हम लिखेंगे यूनिट्स इंक्रीज्ड 50%। तो 4500 का 50% लेंगे तो 4500 का 50% होता है 2250। इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो ये आ जाएगा 6750। पिछले डिपार्टमेंट से 4500 यूनिट्स आए, इंक्रीज़ हुए 50%, 2250, टोटल हो गए हैं 6750। ये हमारे पास यूनिट्स की वर्किंग हो गई है। नेक्स्ट है 6000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द सेकंड डिपार्टमेंट एंड द रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस, जिसमें मटेरियल की परसेंटेज 100% है, 4/5 लेबर है और 2/5 FOH है। तो कंप्लीट कितने हैं? 6000। तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिट्स कंप्लीटेड 6000। अब कह रहा है जो बकाया बच गए हैं 6750 में से 6000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 750। ये हमारे पास हैं यूनिट्स इन प्रोसेस। 6750 टोटल यूनिट्स थे, 6000 उसने बता दिया क्वेश्चन में कि कंप्लीट हैं,
बकाया जो बच के हैं वो इन प्रोसेस हैं, और परसेंटेज 100% मटेरियल, तो हम लिखेंगे 100% मटेरियल। लेबर है 4/5 और 2/5 हमारे पास FOH है। तो ये हमारे पास जो है क्वांटिटी स्केड्यूल क्या हो गया है, कंप्लीट। 4,500 2,250 बढ़ गए, टोटल आ गया 6,750, जिसमें से 6,000 कंप्लीट, 750 पर काम जारी है, टोटल हो गए 6,750। मटेरियल की परसेंटेज 100%, लेबर 4/5 एंड FOH 2/5। नेक्स्ट कह रहा है जी मटेरियल की जो कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में हुई है 84375, लेबर 47520, FOH 34020। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में हम लिख देंगे जी मटेरियल है 84375, लेबर है 47520 और FOH है 34020। तो ये हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी क्या हो गया है, कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। वहाँ हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, कंप्लीटेड और इन प्रोसेस। तो यहाँ हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर, FOH। कंप्लीटेड हैं 6,000, इन प्रोसेस हैं 750। मटेरियल की परसेंटेज 100%, लेबर की है 4/5 और FOH की है 2/5। तो ये हो जाएगा 6,750 यूनिट्स। अब 750 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 600। इसे प्लस करेंगे 6,000, तो ये आ जाएगा 6,600 यूनिट्स। सेम इसी तरह FOH 750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, इसको ऐड कर देंगे 6,000 में, तो ये आ जाएगा 6,300 यूनिट्स। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल आया, कंप्लीटेड यूनिट्स, इन प्रोसेस, अपनी अपनी परसेंटेज। अब पर यूनिट कॉस्ट में भी तीनों निकलेंगी जी, मटेरियल, लेबर, FOH। मटेरियल की कॉस्ट है 84375, टोटल यूनिट है 6750, FOH है 47520 डिवाइडेड बाय 6600, जबकि FOH है 34020 डिवाइडेड बाय 6300। इनको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी 84375 डिवाइडेड बाय 6750, तो ये आ जाएगा ₹12.5 पर यूनिट। इसी तरह FOH 47520 डिवाइडेड बाय 6600, ₹7.2 पर यूनिट, और FOH है 34020 डिवाइडेड बाय 6300, तो ये आ जाएगा ₹5.4 पर यूनिट। अपनी अपनी लिख देंगे, 12.5 मटेरियल है, इसी तरह 7.2 और 5.4। अब हमने निकाल ली है एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। कल भी बताया था कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट्स 6750, तो 168075 डिवाइडेड बाय 6750, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 168075
डिवाइडेड बाय 6750, ये आ जाएगा 24.9, क्योंकि जो न्यू यूनिट्स आए हैं वो हमारे अब 6750 हैं, तो इसलिए अब हमने इनको अकाउंट फॉर करना है। जो पुराने यूनिट्स हैं 4500, उनका अब कोई हमारे पास ताल्लुक नहीं है। तो ये आ जाएगा जी 24.9, इसको हम लिखते हैं एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट। इन सब को ऐड अप कर देते हैं तो 12.5 प्लस 7.2 प्लस 5.4 प्लस 24.9 या 50। उसके बाद 168075 प्लस 84375 प्लस 47520 प्लस 34020, तो ये आ जाएगा 333990। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। आपको पता है सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड निकालते हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 6000, टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300003 लाख, क्योंकि मटेरियल, लेबर, एफवर्क सब कुछ इसके ऊपर लग चुका है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 750, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नई के साथ 24.9 के साथ, न के 37.35, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम की है 24.9। तो हम लोग क्या करेंगे, 750 मल्टीप्लाई बाय 24.9, तो ये आ जाएगा 18675, तो यूनिट्स मुकम्मल और पिछले डिपार्टमेंट के। अब हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसमें आपको मालूम है मटेरियल, लेबर, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 750, परसेंटेज 100%, पर यूनिट कॉस्ट 12.5, वर्क इन प्रोसेस में 750, परसेंटेज 4/5, पर यूनिट कॉस्ट है 7.2, एफओएच 750, 2/5, और ये आ जाएगा 5.4। तो इनसे अब हमने क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। 750 का 100% 750 मल्टीप्लाई कराएंगे 12.5 से, तो 9375। फिर 750 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7.2, ये आ जाएगा 4320। और लास्ट है एफओएच 750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.4, 1620। इन तीनों को हम कर देंगे ऐड अप, 9375 प्लस 4320 प्लस 1620, 15315। इसमें हम 300000 ऐड कर देंगे जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और 18675 जो हमारे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की है, तो ये आ जाएगा 333900। और ये बिल्कुल यही कॉस्ट आई है, इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एस फॉलो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 22 था, यूनिट्स इंक्रीज, एडजस्टमेंट निकालनी है, एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट, और
हमने नई कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराना है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स को। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम इंक्रीज इन यूनिट्स साथ नॉर्मल लॉस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे यह चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।